ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग आम का अचार बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 1 किलो कच्चा आम लिया है और इसकी मैंने गुठलियाँ पूरी निकाल दी हैं। ये देखिए, ये सारी गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं। तो अब हम इसको धो के अच्छे से वॉश करेंगे, खुले पानी में अच्छे से धो के इसको वॉश करेंगे। इसका सारा गम वम जो लगा रहता है, मिट्टी लगी रहती है, सब साफ हो जाएगी। एक पानी से और वॉश कर लेंगे इसको। और इसको साफ पीने वाले पानी से वॉश करना है। ये देखिए कितनी मैल निकली है इसमें। तो ऐसे 2-3 पानी से इसको वॉश करेंगे तो अच्छे से साफ हो जाएगा। एक पानी से और वॉश कर लें। अब इसको हम लोगों ने 3 पानी से धो लिया। अब हम इसे एक छन्नी लेंगे और छन्नी में इसको निकाल लेंगे ताकि सारा पानी ड्रेन हो जाए। अब हमारा आम बिल्कुल साफ हो गया है। तो अब इसको हम लोग 1 दिन के लिए अच्छी धूप दिखाएंगे। देखिए, अब हम लोग इसको 1 दिन के लिए खूब अच्छे से पूरा दिन धूप में डालेंगे। जब 1 दिन धूप अच्छे से लग जाएगी फिर अगले दिन हम इसका अचार बनाएंगे। हो गया है और हमारी अमियां पूरी तरीके से सूख गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस सारी अमियां को एक डब्बे में डालेंगे। आप चाहे तो प्लास्टिक का डिब्बा ले सकते हैं, आप कांच का ले सकते हैं, कोई भी कोई मर्तबान आप ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसको ले सकते हैं। मैं इसको प्लास्टिक के डिब्बे में डाल रही हूँ। ये सारी अमियां हमने इसमें डाल दी और इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो है 1 चम्मच ये नमक का लेके और इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छे से हिला देंगे, ढक्कन लगा देंगे इसका। ढक्कन लगा के अच्छे से इसको हिला देंगे और फिर इसको 1 दिन के लिए पूरा दिन धूप में रखेंगे ताकि अमिया जो है अपना पानी छोड़ दे। फिर 1 दिन के बाद जो है हम इसका अचार बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको 1 दिन के लिए पूरा धूप में रख दिया है। उसके बाद अब हम अगले दिन फिर इसका अचार बनाएंगे। देखिए, अब हम अचार बनाएंगे और अचार बनाने के लिए हमने ये 4 सूखे मसाले लिए हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच कलौंजी ली है जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, 1 चम्मच मेथी दाना लिया है इसको भी ड्राई रोस्ट कर लिया है,
एक चम्मच सौंफ और एक चम्मच जीरा लिया है जिसको कि रोस्ट नहीं किया। अब इन चारों मसालों को मिलाकर हम पीस लेंगे। ये देखिए मैंने चारों मसालों को पीस के तैयार कर लिया है। अब इसके बाद अब हम लहसुन को और हींग को पीसेंगे। ये देखिए 15-20 कली लहसुन की है और इसमें हम एक दो चुटकी हींग मिलाकर इसको पीस लेंगे। ये देखिए मैंने लहसुन को और इसमें 1/4 चम्मच हींग डाली थी और इसको मिलाकर पीस लिया है। अब हम सारे मसालों को मिक्स करके अचार तैयार करेंगे। चलिए हम अपना अचार बनाना तैयार करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सारे मसाले जो पहले मैंने जीरा और ये सौंफ कलौंजी मेथी दाना पीसे था इसको एक बर्तन में डाल देंगे और ये लहसुन और हींग का पेस्ट भी डाल देंगे इसी में। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने आम का अचार धूप में रखा था नमक डाल के पानी निकालने के लिए, इसका ढक्कन लगा के इसका पानी निकाल के इस मसाले में डाल देंगे। और इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ये अपनी सारी अमियां डाल देंगे, ये जो मैंने एक दिन धूप लगा के रखी है ये सारी अमियां डाल देंगे इसके अंदर। अब इसमें हम अपने कुछ सूखे मसाले डालेंगे। इसमें हम 1 चम्मच पूरा भर के पिसा धनिया डालेंगे, 1 चम्मच पूरा लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच पूरा हल्दी डालेंगे और 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि मैंने 1 बड़ा चम्मच नमक पहले जो है जब धूप में रखा था तो डाला था, तो ये 1/2 चम्मच डालेंगे। फिर इसमें ये मैंने 1/2 कटोरी गुड़ डालेंगे इसके अंदर। और 1/2 कटोरी कड़वा तेल डालेंगे, थोड़ा सा पहले डालेंगे फिर थोड़ा बाद में डालेंगे। और इसमें हम 2 चम्मच सिरका डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूं। देखिए भी सब मसाले मिक्स हो गए। अब हम इसको वापस इस डिब्बे में डाल देंगे। इसको डाल के फिर इसका ढक्कन लगाकर इसको लगभग 20-25 दिन रोज धूप दिखाएंगे कड़ी। और अभी जो बचा हुआ 1/2 कटोरी में से बचा था तेल वो भी डाल देंगे इसके साथ। और इसका ढक्कन बंद कर देंगे अच्छे से। अब खूब अच्छे से इसको शेक करेंगे और 20-25 दिन इसको अच्छी कड़ी धूप दिखाएंगे और इसको 2-3 साल चलाने के लिए समय समय पर हर मौसम में इसको
थोड़ी थोड़े दिन के लिए, एक एक हफ्ते के लिए धूप दिखाते रहेंगे ताकि ये अचार खराब ना हो। तो ये तो थी मेरी वीडियो, पर आपको अगर मेरा आपका अचार का आम का अचार पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, थैंक यू।